ये अमल में आप हजरात को सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, छोटा सा अमल है, इंतहाई मुजर्रब, इंतहाई कामयाब, इंतहाई मुअस्सर और इंतहाई मुख्तसर है। इंशाल्लाह अज़ीज़ इस अमल के होते किसी अमल की ज़रूरत नहीं है, दूसरे किसी अमल करने की ज़रूरत नहीं इंशाल्लाह अज़ीज़। तो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल ये जो वबा है, कोरोना की वबा है, वो तो है ही है, जो ये बारिशों की वजह से माहौल बना हुआ है, इसकी वजह से बहुत सी बीमारियाँ, जब पानी उतर जाता है फिर बहुत सी बीमारियाँ, मलेरिया है, हैज़ा है, इस तरह के मसाइल जो है वो पैदा होते हैं, और जो फी ज़माना पहले से हमारे साथ जो मसाइल चल रहे हैं वो भी हैं। और आप हज़रात को ये भी मालूम है कि यहाँ पे दम दरूद खत तवीज़ दागा हमारे खानका में टोटल निज़ाम बंद है, यहाँ सिर्फ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु का जिक्र होता है। तो अमल में एक बता रहा हूँ ताकि आप हजरात में जो बीमार हैं या मुस्तहिक हैं या जिनको ज़रूरत है, तो आप हजरात वो अमल करो। और ये जो मैं अमल आप हजरात को बता रहा हूँ, ये मेरा अमल है, यानी मेरे इस्तेमाल का अमल है, मैं खुद करता हूँ, तो आप हजरात को इजाज़त दे रहा हूँ इसलिए कि आपका भला हो जाए। किसी भी किस्म की बीमारी हो, यहाँ तक के कैंसर हो, पेट दर्द से लेकर कैंसर का, अब इसके दरमियान में कोई चीज़ रह तो नहीं जाती, कोई पूछने की ज़रूरत तो नहीं, कोई बताने की ज़रूरत तो नहीं, फिर बात लंबी हो जाती है, बार बार इंसान बोलता है तो फिर बात लंबी होती जाती है। पेट दर्द से लेके या सर दर्द से लेके कैंसर तक किसी भी किस्म की कोई भी बीमारी है, हेपेटाइटिस है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, गुर्दों का कोई दर्द है या गुर्दों का इन्फेक्शन है, पेशाब का इन्फेक्शन है, हर्निया है, गुर्दों में पत्थरियां हैं, पित्ते में पत्थरियां हैं, किसी भी किस्म का कोई मर्ज है, यहाँ तक कि ये बच्चे को देख के, जुहेब को देख के मुझे याद आया कि बिनाई कमज़ोर है, आँखें कमज़ोर है, किसी भी किस्म का कोई मर्ज है, ये कौन से अमराज हैं? जिस्मानी। दूसरा, किसी भी किस्म का कोई भी रूहानी मर्ज है, जादू है, सहर है, असेब है, काली नज़र है, बद नज़र है, किसी किस्म के हसद के किसी के असरात है, या कोई ऐसा जादू जो पीछे से चला आ रहा है, आपके ख़ानदान में चला आ रहा है, नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है, किसी वजीफे किसी अमल की ज़रूरत नहीं, बस एक छोटा सा अमल बताऊंगा, इस अमल का नाम है नाफ वाला अमल। कौन सा अमल? नाफ। नाफ कहाँ होती है? नाफ, अपनी नाफ के ऊपर ये अंगूठा रखें, अपनी नाफ के ऊपर अंगूठा रखें, कमीज उठा के जहां नाफ है उस रखें, मैं आपको सिखाता हूं, अपना अंगूठा आपके नाफ के ऊपर, बुनियान के ऊपर नहीं, कमीज के ऊपर नहीं, नाफ के ऊपर रखें। रख लिया, क्योंकि मैं कैमरे के सामने बैठा हूं, मैं तो करता अच्छा नहीं लगता ना, आप तो करें, आप सीख कर जाए। अब आपने अंगूठा कहां रख लिया? कौन सा अंगूठा रखना है? मैंने तो कहा नहीं दायां या बायां, मुदई सुस्त गवाह चुस्त, भाई दायां ही रखना है माशाल्लाह। अपने नाफ के ऊपर अंगूठा कौन सा रखना है? दायां। जो अमल बताऊंगा, जब तक ये अमल आप कर रहे हैं, इस अंगूठे को अपनी नाफ, ये जो नाफ है इसके ऊपर यूं यूं करते रहना है, ऐसे ऐसे हल्का हल्का हलाते रहना, समझ आ गई बात? ये अमल कब करना है? इतना आसान है आपके गजर साहब, हम इतने साल से आपके पास आ रहे हैं, आपने गिद्दड़ सिंह ही अपने लिए संभाल के रखी, हमें नहीं दी है, अल्लाह वालों हर चीज का एक वक्त होता है। तो ये अमल कब करना है? रात को लेटते वक्त। कोई मुसल्ला नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई किबले रुख होने की जरूरत नहीं है, वजू के साथ करो, वजू के साथ सोना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है। जब अपने बिस्तर पर लेट जाए, सीधे लेट गए, अब आपने अपना जो अंगूठा है दाएं रहा हाथ का, वो कहाँ रख लिया? नाफ। यानी अगर आप फर्ज करो मैं हूं तो मेरी ये नाफ और मेरा ये अंगूठा, अब आपने क्या करना है? इसको अल्लाह तआला, और आपने पढ़ना है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आले मुहम्मद, दुरूद इब्राहिम पढ़ लें, दुरूद शाफिया पढ़ लें, दुरूद खिजरी पढ़ लें, जौन सा मर्जी दुरूद पाक पढ़ लें, कोई कैद नहीं है, जौन सा आता है वो पढ़ लें। कितनी बार? एक बार पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आले मुहम्मद, बस एक बार पढ़ ली। अब पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کتنے کام ہو گئے؟ دو. دو بھی نہیں بلکہ ایک. درود پاک تو اول و آخر ہوتا ہے نا, تو درود پاک نہیں پڑھیں گے تو نماز قبول نہیں ہوتی, تو وظیفہ کیسے قبول ہو جائے گا؟ دعا قبول نہیں ہوتی, وظیفہ کیسے قبول ہو جائے گا؟ ابھی ہم نے کام کتنا کیا ہے؟ ایک, کہ سورت فاتحہ پڑھی ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ, اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھ لیا ہے؟ درود پاک, یعنی درود شریف پڑھ لیا. اب آپ کا ہاتھ کس پہ ہے؟ انگوٹھا کس پہ ہے؟ ناف کے اوپر. اب آپ کا یہ دایاں ہاتھ ناف کے اوپر ہے, بایاں خالی ہے. میرے ہاتھ میں تسبیح, اگر آپ کے پاس تسبیح ہو تو اب آپ نے ناف کے اوپر یوں رکھا ہوا ہے, اس کو گھماتے جانا اور آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا سلام, 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 یا اللہ یا سلام جل جلالہ. کتنی بار پڑھا؟ 33 مرتبہ. 33 مرتبہ, 33, 30 اور 3, جس کو پنجابی میں آپ کہتے ہیں 33 مرتبہ. سمجھ آ گئی؟ اب آپ نے پڑھنا ہے اسی طرح انگوٹھا ناف میں پھیرتے جائیں گے. کیا پڑھیں گے؟ یا اللہ یا شافی, 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 یا اللہ یا شافی جل جلالہ. کتنی بار پڑھا؟ 33 مرتبہ. اور بعد میں پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب انگوٹھا اپنا باہر نکال لیں گے, پھر ناف پہ آپ رکھ کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایک دو مرتبہ گھما دیں گے. عمل ختم ہو گیا. انشاءاللہ العزیز زندگی میں کوئی بیماری آپ کے قریب سے نہیں گزرے گی, اور جو بیماریاں آپ کے بدن میں کسی وجہ سے بدنی طور پہ پیدا ہو گئی ہیں, طبعی طور پہ پیدا ہو گئی ہیں, یا جادو کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہیں, 7 دن یا 21 دن کے عمل کے کرنے کے بعد جب روزانہ آپ رات سونے سے پہلے یہ عمل کریں گے تو وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے. کیونکہ یہ ناف ایسی جگہ ہے کہ جب اللہ کے ذکر کا نور یہاں منتقل کیا جاتا ہے پھر یہ سر تاپا منتقل ہوتا ہے. جب یہ مرکز ٹھیک ہو جائے گا سارا بدن ٹھیک ہو جائے گا. جب یہ مرکز پاک ہو جائے گا تو بدن ساری بیماریوں سے پاک ہو جائے گا. اللہ بولے یہ ناف اللہ نے ایسی قیمتی چیز انسان کو عطا کی ہے. آپ جتنے بھی تھکے ہوئے آئے ہیں, جتنے بھی تھکے ہوئے ہیں, آپ صرف 2 قطرے سرسوں کے تیل کے یا زیتون کے تیل کے اپنی ناف میں ڈالیں, تھوڑی دیر کے لیے انگوٹھا کے ساتھ یہ کریں اور ساتھ یہ عمل پڑھیں, آپ کا عمل مکمل نہیں ہوگا, آپ کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے. سر میں خشکی ہے, نیند نہیں آتی ساری رات, یا گہری نیند نہیں آتی, یا نیند آتی نہیں ہے, اگر آتی ہے تو نیند گہری نہیں آتی, ڈرونے خواب آتے رہتے ہیں, کبھی ذہن کبھی کبھی کہیں کبھی کہیں گھومتا رہتا ہے, پریشان جو ہے نا کن حالات رات کو رہتے ہیں. تو رات سونے سے پہلے 2 قطرے زیتون کے اگر گھر میں ہیں, نہیں ہے سرسوں کے تیل کے 2 قطرے, زیادہ نہیں بالکل معمولی چھوٹے چھوٹے 2 قطرے, اگر وہ بھی نہیں ہے تو سرسوں کے تیل کے ساتھ بس ایسے انگوٹھا ایسے مس کر کے ٹچ کر کے بس رکھ لے, اور یہ جو میں نے بتایا ہے یہ پڑھنا. انشاءاللہ العزیز کوئی بیماری, بخار ہے, سر درد ہے, گردے کی پتھری ہے, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, کینسر ہے, نظر بد ہے, بچے گھر میں چھوٹے ہیں روتے ہیں یا بلا وجہ روتے ہیں, یا بچہ آئے دن بیمار رہتا ہے, کبھی کوئی بیماری کبھی کوئی بیماری, اس طرح یہ برسات ہے, اب برسات یہ ختم ہوگی تو لوگوں کو پھنسیاں پھوڑے نکلتے ہیں, ہیضہ ہوتا ہے, کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے پریشان نہیں ہونا, اور نہ میرے سے آگے کوئی وظیفہ مانگنا ہے, نہ میں دوں گا, نہ میں دیتا ہوں, نہ دم کرتا ہوں, نہ کروں گا.
जो था वो बता दिया है, अब आपके पास है, महलूक खुदा को जाके बताओ ताकि लोगों का नफा हो, खुद करें, इसी बहाने थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र करने वाले बन। अब ये अमल कैसे करना है? रात सोने से पहले, फिर ये अमल करना है सुबह बिस्तर से उठने से पहले। जब सुबह उठे बिस्तर से, यानी आपकी आंख खुल गई फजर वक्त उठते हैं या फजर के बाद उठते हैं, या जो भी किसी का तरीका कार है उठने का या वक्त है, जब भी उठें तो अपने पांव चारपाई से, बेड से, बिस्तर से, जमीन पे लगाने से पहले ये अमल करना दोबारा। अब अल्लाह को कितनी आसानी है, उस वक्त कोई वजू होता है आपकी क्योंकि आदत नहीं है, आप अमल ये आज रात से करेंगे, कभी आप रात का भूल जाएंगे, कभी आप सुबह का भूल जाएंगे। जब सुबह का इंसान करता है तो अक्सर औकात इंसान को जल्दी होती दफ्तर जाने की या वाशरूम की हाजत होती है, जल्दी उठ के चला जाता है, भूल जाता है, कोई परेशानी की बात नहीं। दो चार दिन आपके साथ ये होगा फिर आदत हो जाएगी। जब बदन को देसी घी जाना शुरू होगा, खुराक जानी शुरू होगी, रूह को उठते सुबह नाश्ता मिलेगा तो रूह आपको खुद याद करवाएगी कि पहले नाश्ता करवा फिर बाथरूम जा, पहले नाश्ता करवा फिर वजू के लिए जा, पहले मुझे नाश्ता करवा फिर नमाज के लिए जा। कोई मसला नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं कि मुझे सुबह भूल जाता है। अगर भूल गया है वाशरूम से फारिग होके वजू करके नहा धो के कर ले, फिर भी भूल गया है नाश्ते के बाद कर ले, फिर भी भूल गया है दुकान पे जाके बैठे बैठे कर ले जिस तरह अभी किया है, फिर भी भूल गया अपने दफ्तर जाके कर ले, फिर भी भूल गया दोपहर को घर आके कर ले, छुट्टी नहीं कर ले। कोई पाबंदी कोई शर्त नहीं लगा रहा, लेकिन करना जरूर है। दिन में दो दफा करना है, एक सोते वक्त एक उठते वक्त। रात को जब करके सोएंगे सारे दिन के जो नजरे बद के असरात हैं, हसद के असरात हैं, जादू के असरात हैं, जब ये करके सोएंगे सारी रूह मुअत्तर हो जाएगी, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और सुबह जब ये अमल करके दुकान पे या बाजार में बाहर जाओगे तो अल्लाह पाक जो है हर तरह के शर से आपको महफूज फरमाएगा। ये तो बीमारियों के हवाले से। दूसरा इस अमल का रूहानी नफा ये है कि जब अल्लाह वालों ये अमल आप हजरात नाफ वाला शुरू कर दोगे, अल्लाह आपको कुरान की तलावत की तौफीक भी अता फरमाएगा, नमाज की तौफीक भी अता फरमाएगा, अपने मुस्तफा अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक भी अता फरमाएगा, यूं महफिल में बैठ के आकर जिक्र अजगार करने की तौफीक भी अता फरमाएगा। फिर सबसे बड़ी जरूरत जो इस वक्त है जिसकी वजह से हम नेक अमाल नहीं कर पा रहे वो ये है कि दूसरों को हवस की निगाहों से देखना, औरतों को देखना जिनसी हवस, बदनजरी। बदनजरी की जो बीमारी है वो बच्चों से लेके सफेद दाढ़ियों वालों तक है। जब ये अमल करेंगे अल्लाह नजर के अंदर ऐसी हया इंशाल्लाह से पैदा करेगा जैसे उस्मान गनी की निगाहों में हया थी। अल्लाह उन निगाहों की खैरात आपको इस अमल के सदके अदा फरमाएगा, यानी ऐसी हया होगी जैसे 18-20 साल की जवान बच्ची की निगाहों में हया होगी, या बाहया खानदान की हो, अच्छे खानदान की हो, जैसे उसकी निगाहें शर्म के मारे नामहरम को देख के बड़े को देख के झुक जाती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी निगाहों के अंदर भी ऐसी हया पैदा करेगा इस अमल की बरकत से कि आपकी निगाहें नामहरम को देख के या उस चीज को देख के जिसको नहीं देखने का हुक्म, आंखें झुक जाएंगी। जब आंखें झुक जाएंगी, आंखें बंद हो जाएंगी, अल्लाह इसी अमल की बरकत से ये आंख खोल देगा, ये आंख खोल देगा। तो पहला फायदा क्या होगा कि नेक अमल की तौफीक मिलेगी, और दूसरा फायदा क्या होगा रूहानी कि इसी अमल की बरकत से आपके कल्ब की आंख खुल जाएगी। इतने फायदे हो गए दो। तीसरा फायदा ये होगा, आपने कोई काम करना है, आप शिशु पंच का शिकार हैं, जिसको आप कहते हैं जी मैंने इस्तखारा करके मुझे बताया कि ये मेरे लिए काम ठीक है कि नहीं, यही अमल करके दुआ करके सो जाए कि या अल्लाह फलां जगह से बेटी का रिश्ता आया है वो हमारे लिए करना मुनासिब है कि नहीं, यही अमल करके सोएंगे अल्लाह ख्वाब में आपको दिखा देगा तेरे लिए खैर क्या है, तेरे लिए शर क्या है। तोता फाल नहीं निकलवानी, तोता फाल निकलवाओगे खुद खोते हो जाओगे, क्योंकि जो खोता होता है वो तोते के पास जाता है, जिसकी अकल काम नहीं ना कर रही होती वो भी तोते के पास जाता है, तो जिसकी अकल काम कर रही होती है वो अल्लाह वालों के पास जाता है। तो अल्लाह वाले फिर ये रास्ता बताते हैं कि अल्लाह की रहमत को यूं जोड़ने, अल्लाह से यूं मांगना है। तो ये अमल किस काम के लिए इस्तेमाल होगा? जिस्मानी बीमारियों के लिए, रूहानी बीमारियों के लिए, और नेक अमाल की तौफीक के लिए, और इस्तहारे के लिए। किसके लिए? इस्तहारे के लिए। फिर आखिरी बात, अगर आपने सुबह ये अमल किया हुआ है, यानी कल जुमातुल मुबारक है, आज रात को आपने ये अमल सुना शबे जुमा में, और
आज आप करके सोए, सुबह आपने उठने से पहले दोबारा ये अमल कर लिया, जिस दिन आपने ये अमल किया होगा उस दिन जो जितना भी बड़ा जादूगर हो वो जैसा भी वार करे आपके ऊपर जादू का वार नहीं चलेगा, जादू का वार नहीं चलेगा। और आखिरी बात ये कि जिस दिन ये अमल किया होगा, ये अमल करने के बाद जिस काम को हाथ डालोगे, जिस काम के लिए जाओगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ पांचों घी में सर कड़ाई में होगा, खैर सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, जिस काम में हाथ डालोगे अगर अल्लाह ने आपके लिए बेहतरी लिखी है, अल्लाह आसानियां करता जाएगा, वो काम हो जाएगा। अगर अल्लाह ने वो काम आपके लिए बेहतर नहीं लिखा और आप कह रहे हैं होना चाहिए, अल्लाह आपके दिल में डाल देगा कि इस काम से मुड़ जा, ये काम नहीं करना, अल्लाह उसका कोई नेमत बदला अता फरमा देगा। तो ये सारी रहमतें, सारे फिजो बरकात, सारी बरकतें, सारी नवाजशें इस छोटे से अमल पे हैं कि एक बार अव्वल व आखिर दुरूद पाक जोन सा भी पढ़ ले, दुरूद इब्राहिम पढ़े, दुरूद शाफिया पढ़े, दुरूद खिज़री पढ़े, जोन सा दुरूद पाक पढ़े, उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ एक बार सूरत फातिहा और 33 मरतबा 33 टाइम 30 जमा 3 पंजाबी सराय की 33 बारी पढ़ना है या अल्लाह या सलाम, या अल्लाह या अल्लाह, फिर पढ़ना है या अल्लाह या शाफी, या अल्लाह या शाफी, या अल्लाह या शाफी। ये अल्लाह वाला जो आप पढ़ोगे या अल्लाह या सलाम, इसके साथ अल्लाह का वादा है जो मेरे नाम या सलामों का जिक्र करेगा मैं उसको सलामती अदा करूंगा, जान की सलामती, ईमान की सलामती, दुनिया की सलामती, आखिरत की सलामती, नजर की सलामती, दिल की सलामती, दिमाग की सलामती, आखिरी उम्र में किसी मुझी मर्ज में मुबतला होने की सलामती, घर में बीवी बच्चे हैं उनकी इज्जत, उनकी नामूस की सलामती, हर तरह की अल्लाह सलामती अता फरमाएगा। और सबसे 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 बड़ा इनाम अल्लाह जो या अल्लाह या सलामों का जिक्र करता है, अल्लाह मरते दम तक उसको किसी का मोहताज नहीं होने देगा, किसी का अल्लाह आपको इंशाअल्लाह मोहताज नहीं, चलते फिरते मरोगे और इंशाअल्लाह कलमे पे मरोगे, किसी के नौकर के, बीवी के, बच्चों के अल्लाह मोहताज नहीं करेगा कि आप उसे मांग के खाएं या ऐसी बीमारी हो जाए कि आपको उठाएं बिठाएं, पखाना पेशाब की हाजत, ऐसी बीमारी अल्लाह उससे हिफाजत फरमाएगा। और जब या अल्लाह या शाफी पढ़ेंगे तो जो बीमारी आ चुकी है अल्लाह उसमें शिफाए कामल आ जाता फरमाएगा। इस तरह हमारे ईमान के अंदर, हमारी रूह के अंदर जो बीमारियां या जो खलल आ चुका है, जो शर आ चुका है, अल्लाह अपने नाम या शाफियों के सदके शिफाए कामला आजला अता फरमा देगा।